वहीं जबलपुर में एक दोस्त की तरक्की देखकर दूसरे दोस्त को इतनी ईर्ष्या हो गई कि उसने जुर्म का रास्ता अपना लिया। मामला माड़ोताल थाना क्षेत्र के खजरी खिरिया का है, जहां कुछ दिन पहले एक ज्वेलरी दुकान में काम करने वाले कर्मी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जांच में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस ने खुलासा किया है और पीड़ित के दोस्त ने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। प्रशांत और आयुष अलग गाड़ी में इसको जाके आगे करके रोका और इससे सामान छीन लिया। हम लोगों को सूचना मिली कि कार्तिक कोई व्यक्ति सोने चांदी का सामान बेचने के लिए खड़ा है, उसके आधार पे हम जाके कार्तिक को पकड़े। कार्तिक के द्वारा फिर बताया गया कि ऐसे ऐसे घटना हुई। अमित अभी धीरे धीरे हम देख रहे थे कि अमीर होता जा रहा था, क्यों हो रहा है, इसलिए करके हमने एक घटना को अंजाम दिया। इसमें चार लड़कों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। दो रैकी कर रहे थे और दो आगे जाके इनके साथ लूट की वारदात किए हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है? अभी तो इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। बैकग्राउंड ऐसा है कि ये भी ऐसे ही सराफा की दुकान या इसका किराना का है, किराना की दुकान, कार्तिक की खुद की कपड़े की दुकान है, इस तरह का काम कर रहे हैं। मीन्स निम्न मध्यम वर्गीय है।